हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं बनाने वाले मिनट स्पेशल मेथी के थेपले तो चलो बिना टाइम वाइस की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले मेथी को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और इसके बाद इसको एकदम साफ पानी से वॉश कर लेना है और फिर इसको साइड में रख देंगे इसके बाद ले लेंगे गेहूं का आटा और इसमें मैं डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार और अभी मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हींग और फिर हम इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड कर देंगे तो मैं इसमें डाल दी हल्दी पाउडर साथ में डाल देंगे रेड चिली पाउडर और अभी मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसको एक अलग सा फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सांबर मसाला तो सांबर मसाला डालोगे तो थेपले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और फिर इसमें डालेंगे ऑयल और जो हम लोग ने ग्रीन मेथी को कट करके रखा था साइड में वो ग्रीन मेथी इसमें सारी या इसमें डाल देनी है और फिर एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे पानी ऐड नहीं करना है अभी पहले एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है फिर पानी की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे तो ये देख सकते हो गाइस मैं ये अच्छे से एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है मैंने तो अभी मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ तो पानी स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं डालना है थोड़ा ही पानी डालना है फिर जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इसमें पानी डालते रहेंगे और इसके बाद इसका एकदम सॉफ्ट डो बना लेना है तो ये देख सकते हो मैंने डो भी बना लिया एकदम अच्छे से तो ऑयल ले, ले लेना है और ऑयल से एकदम अच्छे से इसको क्रिस कर लेना है इसी तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह आपको भी ऑयल से डो को एकदम अच्छे से कवर कर लेना है और इसको पाँच मिनट तक रख देंगे साइड में तो ये पाँच मिनट हो गया गाइस देख सकते हो डो हमारा रेडी है तो चलो अभी हम इसके थेपले बना लेते हैं तो सबसे पहले अपने को पेड़ा बना लेना है और फिर उसको आटा से कोट कर लेना है और फिर इस तरह गोल साइज में सारे थेपले अपने को इस तरह बना लेने हैं और ये थेपले वो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाते हैं तो चलो अभी हम इसको सेक लेते हैं तो तवा ले लेना है तवा को एकदम अच्छे से गर्म कर लेना और फिर इस थेपले इस पर डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से पलट लेंगे तो मैंने पलट भी लिया गैस इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे और फिर ऑयल लगा कर इसको वापिस से अपने को पलट लेना है इसके ऊपर वापस से हम ऑयल लगा लेंगे और इस तरह एकदम अच्छे से इसको ग्रिस कर लेंगे और फिर वापस से इसको भी इस तरह पलट लेंगे तो इसी तरह अपने को दोनों साइड से थेपले को एकदम अच्छे से पका लेना है और ये अच्छे से सेक लेना है तो ये देख सकते हो थेपला एकदम अच्छे से सेक गया है आगे पीछे करके सेक लेना है और ये हमारा थेपला बनकर तैयार भी हो गया है देख सकते हो गाइस तो इसी तरह दूसरा थेपला भी मैं बना बना के दिखा देखती हूँ आपको तो इसी तरह आपने को पलट लेना है उसके ऊपर ऑयल लगा लेना है और ऑयल लगा कर वापिस से इसको पलट के वापस से ऑयल लगा लेना है इसी तरह अपने को सारे थेपले बना लेने और ये थेपले बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो अभी विंटर की सीजन चलती है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें ये वाली रेसिपी और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही रेसिपी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करे और रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कॉमेंट करना भी ना भूलें तो ये देख सकते हो हमारा दूसरा थेपला भी बनकर तैयार हो गया है तो गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो आप दही या मक्खन के साथ सर्व कर सकते